Assalamualaikum, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत सा पार्टी मेकअप लुक. सो उसके लिए जो है मैंने वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट जो आईब्रो पोमेड है ये है जी जूश की. इसके साथ मैंने अपने आईब्रोज को अच्छी तरह जो है वो फिल कर लिया और स्पूली की हेल्प से सेट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की आई बेस ले ली और इसकी हेल्प से मैंने अच्छे से अपनी आईज़ को नीट कर लिया, अपनी आई बेस को जो है सेट कर लिया. ठीक है, देन उसके बाद मैंने ये एसटी की जो ये पैनकेक है इनका, ये मैंने जो है अपनी आईज़ पे इसके साथ जो है सेट कर लिया अपनी आईज़ को इसके साथ. नेक्स्ट मैंने यू कैन बी की जो एक्सॉटिक फ्लेवर पैलेट है इसके जो ये वाले शेड्स हैं रस्ट कलर के, रस्ट ऑरेंज और येलोइश, मैंने इस कॉम्बिनेशन को लिया है और इसकी हेल्प से जो है मैं अपने आई मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट करूँगी. यहाँ पे मैंने येलो कलर जो है वो लाइट सा येलो कलर है उसको मैंने अप्लाई किया एज ए ट्रांजिशन शेड. देन मैंने ये वाला जो डार्क रस्ट कलर है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया और अपने आउटर कॉर्नर्स पर मैं अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से. इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी. क्रीज को कट करने के लिए भी मैंने जो ब्यूटीफाई बाय आमना की आई बेस है उसको यूज़ किया है. आप लोग कोई भी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं. मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी आई बेस या कंसीलर, उससे जो है आपकी आई जो क्रीज है वो बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद आप स्मॉल से ब्रश के साथ जो है अपनी क्रीज को भी सेट कर लें किसी भी पाउडर के साथ. देन उसके बाद जो एजेस हैं उनको आप नीट कर लें, दोनों को आपस में मिला दें. ठीक है, उसके बाद ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ही हाइलाइटर पैलेट ले लिया, ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट. और इसका जो हाइलाइटर शेड है ये मैं अपनी जो क्रीज को कट किया है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी. ठीक है, इसका बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, ना ही ज़्यादा गोल्ड है और ना ही ये पेल सी टोन में आता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अंडर आई एरिया पर भी जो है वो मैंने रस्ट कलर ही अप्लाई कर लिया. उसके बाद ये मैंने एम एस रोज का काजल ले लिया था, ये काजल बहुत ही अच्छा और पिगमेंटेड है. इसको मैंने एज अ लाइनर जो है ब्रश के ऊपर अप्लाई किया और इसको मैं इस तरह से जो है बिल्कुल अपनी लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई किया है और इसको थोड़ा सा स्मच कर दूँगी. देन उसके बाद मैंने अपनी लैश लाइन जो है और लोअर लैश लाइन पर भी मैंने अप्लाई कर लिया था यही काजल. उसके बाद मैंने लैशेस अप्लाई कर ली विद द हेल्प ऑफ स्वीट टच की जो ग्लू है. देन उसके बाद ये मेरे पास है जी हुदा ब्यूटी की जो फाउंडेशन है, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. मेरा शेड है कैश्यू 140G. और उसके बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने कंटूर पैलेट ले लिया और इसकी हेल्प से जो है मैं अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी. और कंटूर करने के बाद मेक श्योर कि आप अच्छे से कंटूर को ब्लेंड कर लिया करें. देन ये मेरा ब्लश और हाइलाइटर पैलेट है. बहुत सारी वीडियोस में आपने मेरा ये देखा होगा क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट और बहुत ही पिगमेंटेड है. ठीक है, इसकी हेल्प से मैं अपना हाइलाइटर और ब्लश जो है वो भी कंप्लीट कर लूँगी कुछ इस तरह से. देन उसके बाद मैं ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का जो बेकिंग पाउडर है ये ले लूँगी और मैं जो कंटूर है जहाँ पर मैंने कंटूर की थी उसको मैं इन्हेंस करूँगी कुछ इस तरह से और बेक कर लूँगी. देन उसके बाद इसको मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी. यहाँ पर मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी की जो ये बुलेट लिप ग्लॉस है, ये इसके हेल्प से मैं अपने लिप्स को जो है वो कवर करूँगी और यहाँ पर होती है जी मेरी लुक कंप्लीट. आई होप कि आपको ये वाली लुक जो है वो अच्छी लगी होगी. किस तरह की लगी, कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और हाँ, ये जो लेंस आप देख रहे हैं मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज है लेंस मार्ट डॉट पी के वहाँ से ऑर्डर किए थे. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. चलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़.